नमस्कार, मेरा नाम किशोर है और आज हम चुलाकोट में आ रखे हैं। ये पिथौरागढ़ जिले के कौन से बीड़ ब्लॉक में आता है? हाँ, बीड़ ब्लॉक में ये गांव आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोग अभी रात का समय है और यहाँ पर जेसीबी भी दिख रही है आपको। तो यहाँ पर ये लोग इतने खड़े क्यों हैं यहाँ पर, थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या हुआ? जी आशा देवी। जी आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप बताइए? जी हमारे यहाँ आधे रास्ते तक तो रोड पहुँच गई है जनरल गांव से, उसे आगे ऐसी गांव लग गया तो इस कारण हमारे रोड नहीं मिल रही है। अच्छा, तो हाँ बताइए आपका नाम क्या हुआ? जी मैं मीना देवी। जी बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? इधर हमारे इधर ये रास्ते की बहुत समस्या है ना, ये सड़क नहीं पहुंचने दे रहे आगे को। जैसे तैसे करके हमने आधे रास्ते तक तो पहुंचाई, जनरल आदमी जो है उन्होंने हमको जनता दिखाई आगे विधायक को कि इतनी जनता मेरी है, इनको परेशानी हो रही करके हमारी परेशानी बता के अपने घर तक उसने सड़क पहुंचाई। लास्ट में क्या बोल दिया, अब तुम्हारे उधर मैं रोड नहीं आने दूंगा, उससे आगे को गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जी यहीं पे के हैं, हमारे गाँव के बगल वाले हरीश वल्दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए आप लोग क्यों खड़े हैं आप बताइए? सर रोड जो आम जनता की वो जरूरत है ना। हाँ। जरूरत है, परसों का ही मामला है सर, मेरी माँ जैसे मेरी ताई जी। हाँ हाँ। ये रोड की समस्या की वजह से, रोड को के संभालने की वजह से ही वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और पहाड़ से नीचे गिर के उनकी मौत हो गई। अच्छा। तो ऐसा केसेस हो रहे हैं हमारे गांव में, ऐसे तीन केसेस हो गए हाल ही में इस एक महीने में कि पहाड़ से तीन लोग गिर गए हैं और एक हल्द्वानी पहुंचा है, एक भगवान के पास पहुंच गया है। तो यहाँ पर रुकावटें क्या आ रही है यहाँ पर? ये सर ये रोड ही नहीं दे रही, आपने पहले तो अपने क्या बोलते हैं रोड के लिए हमें हमारा जरिया बना के अपने घर तक पहुँचा दी और उससे आगे पहुँचने नहीं दे रहे हैं। अब बताइए क्यों? वो जनरल है, हम एससी हैं। अच्छा। और बोल रहे हम तो ठमाइए ठाकुरों का दिमाग है। अब बताओ हम ठाकुर है, ठाकुरों का दिमाग है। अच्छा अच्छा जी जी बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत है बताइए। बेटा हमारे यहाँ रोड नहीं है, रास्ता नहीं है और ये बुढ़े हैं लाठी टेक के आए हैं, इतनी रात को यहाँ पर हैं, परेशानी है, तभी आए हैं, कैसे अब हम कैसे चले अंधेरे में, यही परेशानी है हमको ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे परेशान हैं और यहाँ पर कुछ उच्च जाति के दबंग लोग हैं और जो इनके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है, ये समझने की बात है आज हमें। बुढ़े लोग हैं ये, लट्ठी टेक टेक के ये रात में यहाँ खड़े हैं, ये कैसे पहुँचाए पहुँचे अब हम घर में, इतनी परेशानी है, इतनी। जी 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 बोले बोले आप। हमारी समस्या है, बहु वहाँ से गिरी है, मरी है, ये फिर भी हम भी यहाँ पहुँचे हैं, हमारी बहुत ही समस्या है बाबू, ये समस्या हमारी हल कर दो। ये मशीन हम रोकते रोकते वहाँ से इन्होंने अपने सड़क घर से पहुँचाई, फिर पटाखे फोड़े इन्होंने वहाँ पर, उसका पटाखे फोड़े हम उसी वहाँ आवाज की वजह से यहाँ आए और मशीन यहाँ पहुँचा दी। पटाखे मशीन के अंदर फोड़े पता नहीं, हमसे कह रहे हैं मशीन खराब, लास्ट में खराब होने करके इन्होंने अपनी मशीन यहाँ पहुँचा दी। सामने चलाई इन्होंने, भाग भाग के आए बच्चे, बच्चों ने रोक दी, आगे सो गए बच्चे, आगे हाँ बच्चों ने रोक दी।